हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि निधि के शादी के फंक्शन क्या क्या हो रहे हैं, और आज है हल्दी फंक्शन। तो हल्दी फंक्शन की तैयारियाँ चल, दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है हमारे घर में। तो शादी वाला फुल रौनक है, शादी वाला माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिखाते हैं आपको कौन आया है। तो ये हमारी भाभी जी आई हुई है मेहंदी लगाने निधि को। तो यही हमारे दुल्हन को मेहंदी लगाएंगी, और मैंने तो अपने एक हाथ में लगा ली है, खुद से ही कलाकारी कर ली है। तो देखो अभी निधि को मेहंदी लगने वाली है, और ये देखो, चलो मिलाए निधि से आप लोगों को। मेरे ना अपने एक हाथ में लगा ली है, ये देखो आगे भी पीछे भी फ्री हो गई हूँ। दूसरे हाथ में नेहा कब से बोल रही दीदी आपके लगा दूं। तो मैं बोल रही हूँ अभी नहीं, थोड़ा सा रुको, क्योंकि एक हाथ में जब लगी रहती तो कुछ खाने पीने के लिए ना मोहताज हो जाना होता है, अगर दोनों हाथ में एक साथ मेहंदी लग गई तो। और ये देखो आद्या जिद कर रही थी तो नेहा उसको लगा रही है, और ये देखो निधि, तो निधि काफी खुश है अभी लेकिन कल तक अभी इमोशनल होंगे हम लोग, कल तक होंगे, आज से नहीं होना है, क्योंकि आंखें वाखे अभी से फूल आए, रोते रोते ना चेहरा ही पूरा खराब हो जाए, तो पूरा जयमाल का लुक ही खराब हो जाएगा। इसलिए ना तो हम निधि को रोने देंगे और ना ही खुद भी रोएंगे। और चलो अब निधि को हमारे मेहंदी लगने वाली है, ये देख लीजिए। और इसलिए हम लोग इसको पहले से मेहंदी लगवा दे रहे हैं, ताकि फ्री हो करके हल्दी फंक्शन और मेहंदी फंक्शन दोनों हो, डांस हो, गाना हो, निधि एंजॉय कर सके। अदरवाइज क्या होगा, वही समर में तो सीखती है, उन्हीं को किए हैं, तभी तो उसके सोचकर उसमें गई थी मैं देखने। कितना लेती है मम्मी सिखाने का? 5,000। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं, और यहाँ पे जो महिला समाज है वो सब जुटा हुआ है काम में। तो आपको दिखाते हैं कौन क्या कर रहा है। तो ये देखो ममता बुआ आटा गूंथने में लगी हुई हैं, इधर नावना जी भी आटा गूंथने में लगी हुई हैं, और मम्मी और चाची इधर बड़ा एक्सपर्ट बनी हैं, दही बड़े बना रही हैं। का हो तू, का बोरे के काम मिला है का? इनका दही बोरे के, अरे बड़ा बोरे के काम मिला है दही में। चला दिखाई थी फिर, ये हमारी लोकल लैंग्वेज, तो इसको बोले बिना ना रह ही नहीं पाते हैं। और इधर सन्नो दीदी बैठी हैं, ये देखो ये हमारी दीदी बैठी हैं। दीदी इधर क्या बना रही हैं? यहाँ भैया दाल चावल बनता है, इधर दाल चावल बन रहा है, वो देखो चूल्हे में दाल और चावल। वो चाची है, वो चाची है, हाँ पहचान गई हूँ उधर की ना वो चाची लगी हुई है। ये वो है फिटतिया ना, धोई एक बहुत मेहनत लागत है फेट है मा, खाए वाले को तो छोटा छोटा कही है नरम है बड़ा नरम है बड़ा अहिया फेटत फेटत गति हो जाए। शादी देखो, ये देखो चाची लगी हुई है बड़ा बनाने में, बड़ा एक्सपर्ट बनी है भैया, ये नरम ना था तो तोरे नाम आई कही बनाए तो बहुत मेहनत के हैं, अब नरम नहीं ना कितनी आंच लग रही है मम्मी। हाँ बढ़िया बढ़िया, ये देखो इधर मम्मी और चाची का भेद तो बारा बोरा है, उनका बिच्ची का हटा दिया। तो
बारात के एक दिन पहले जो होता है कार्यक्रम वो मायन का कार्यक्रम होता है। हाँ, थोड़ा सा रस्मों में चेंजेस होते हैं, कहीं कहीं जगह पर लड़की का जो मायन होता है वो बारात वाले ही दिन होता है, और कहीं कहीं लड़की का मायन जो है वो जिस दिन मायन होता है उसी दिन होता है, यानी बारात के एक दिन पहले। तो मेरी शादी में तो ऐसे ही हुआ था, बारात के एक दिन पहले ही मायन हुआ था, लेकिन यहाँ पर मायन ना मतलब इस साइड इधर साइड का जो रिवाज है उसमें मायन पूजा जो होती है वो बारात वाले ही दिन करी जाएगी। तो निधि लोगों के रियल घर में ऐसे ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर मायन पूजा कल होगी बारात वाले दिन। और यहाँ पर मेहंदी लग गई है निधि को, एक हाथ में लग गई है, और ब्राइडल मेहंदी लगने में अच्छा खासा टाइम लगता, पूरे 2 घंटे से निधि बैठी हुई है लगातार, और 10 बजे से हमने इसको बैठा दिया था मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि शाम को दो कार्यक्रम हैं, दो फंक्शन हैं, तो इसके कारण से ये भी अगर फ्री रहेगी तो इन्जॉय कर पाएगी, तो इसी वजह से हमने इसको पहले ही मेहंदी लगवाना ठीक समझा है, वरना फिर मेहंदी में हाथ पैर फंस जाएंगे ना, तो फिर ना ठीक से रेडी हो पाओ ना फंक्शन इन्जॉय कर पाओ, यही सब कुछ होता है। तभी यहाँ पर हमारी बातें हो रही थी पार्लर वाली से कि कैसे क्या है, क्या चार्जेस हैं, क्योंकि हमको कल रेडी भी होना है, तो अभी तक हमने बुक नहीं करा हुआ है, मतलब निधि के लिए तो बुक हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने अपने लिए अभी कुछ भी बुक नहीं किया हुआ है। दोपहर के 1:30, खाना बन चुका है, तो चने की दाल बनी है, कढ़ी बनी है, दही बड़ा है, सूखा बड़ा है, रोटी है, यही खाना है। तो हम आपको दिखाते हैं, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, दही बड़े तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फूले हुए हैं, और चने की दाल ना ऐसी वाली एकदम देसी स्टाइल में ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये रोटी और चावल है, और हम लोगों का खाना हम लोग घर पर ही मंगवा लिए हैं ताकि आराम से बैठ के खा पी सकें। तो चलिए खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद रेडी होना शुरू करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 1-2 घंटे दोपहर में, क्योंकि लगातार जब आप फंक्शन शादी में रहते हैं तो रेस्ट करना के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, लेकिन जो भी टाइम मिलेगा उसमें रेस्ट करें। और हाँ, शादी ब्याह वाले घर में अगर आप सोने का टाइम भी मिल रहा होगा तो आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि जहाँ पर चहल पहल ज़्यादा होती है वहाँ नींद भी नहीं पड़ती है, मन करता है सबके साथ बातें करो, क्योंकि ये जो ओकेज़न होता है बस 1-2 दिन ऐसा माहौल बनता है। तो आज निधि से हमने मजाक में क्या कह दिया वो अभी आप लोगों को आगे बताऊँगी, ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और मैं यहाँ पर आद्या को खाना खिला रही हूँ और मम्मी सबको खाना सर्व करती जा रही है, तो अब मैं आपको सीधे मिलूंगी शाम को यानी 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे से ही हल्दी फंक्शन शुरू हो जाएगा। फैमिली चैनल, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी हाँ, आज निधि की शादी का हल्दी फंक्शन है, शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो अभी पहले हल्दी फंक्शन। सो फ्रेंड्स, आज निधि का हल्दी फंक्शन है, तो उसी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। देख सकते हो ये मांगटी का मैंने लगाया है, मैचिंग बैंगल्स पहनी है रेड येलो एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। और निधि, मैं अभी तुम्हें मैंने नहीं दिखाऊंगी, तुम भले पीछे कैमरे के पीछे आ रही हो। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं, निधि को आपको दिखाते हैं। तो निधि ने येलो कलर की साड़ी पहनी है और येलो पूरा हार है, बेंदी है, सब लगा के रखा हुआ है इसने। उसके बाद चलो अभी नेहा को दिखाते हैं, ये देखो नेहा, अंधेरे में आ रही हूँ ना, चेहरा ही नहीं सही से आ रहा है। चलो Hello. भाई नेहा भी तैयार है, सबको हाय बोल रही है, आप भी आ जाइए मेहंदी फंक्शन, अरे हल्दी फंक्शन के लिए function. तो हम लोग हल्दी फंक्शन के लिए सब लोग तैयार हुए हैं अभी यहाँ पे, और चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर आपको डेकोरेशन भी दिखाएंगे, साथ ही साथ और भी दिखाएंगे, मम्मी लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो मम्मी तैयार होके बैठी हुई हैं, नाउनाजी आ गई हैं, और ये देखो इधर दादी लोग बैठी हुई हैं, सब लोग धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और उसके बाद अभी हल्दी फंक्शन शुरू होगा। हाँ, ये लोग हैं दादी लोग, ये आद्या आओ, ये देखो आद्या, तुमने येलो नहीं पहना, चलिए अभी हम आपको डेकोरेशन दिखाते हैं कि डेकोरेशन कैसी हुई है हल्दी फंक्शन के लिए।
देख सकते हैं हमारे घर के बाहर जो पूरा ग्राउंड है हमारा, वहीं पे हमने ये हल्दी फंक्शन के लिए डेकोरेशन करवाया है। तो ये जो डेकोरेशन है वो हल्दी और मेहंदी दोनों फंक्शन को ध्यान में रख कर के करी गई है। तो देख सकते हैं येलो ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में ये डेकोरेशन करी गई है। तो इससे हल्दी फंक्शन का भी लुक आ जा रहा है, मेहंदी फंक्शन का भी आ जा रहा है। और शाम को ये हम हल्दी फंक्शन वाला जो टाइटल है वो चेंज कर देंगे, यहाँ पर मेहंदी कर देंगे। और देख सकते हैं ये है हमारी धृति मोटू मोटू सी, और ये ना शिवम की बेटी है, चाचा की मतलब पोती है। तो ये बहुत मस्त रहती है, एकदम बहुत खुश रहती है, इसको देखकर खिलाने का मन तुरंत करने लगता है। और अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप है, पर हम लोग अब फंक्शन शुरू करेंगे क्योंकि आज ही शाम को मेहंदी का भी फंक्शन है, लेडीज संगीत भी है, तो काफ़ी कुछ होना है। तो अभी देख सकते हैं हमारी दुल्हनियाँ रेडी होकर के आ गई है, और दुल्हन की भाभी भी आ गई हैं, बहनें भी आ गई हैं, और सबका वेट हो रहा है, सब लोग इकट्ठे हो जाएँ तो फंक्शन शुरू किया जाए। तो देखते हैं कब तक सब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने में ही तो टाइम लगता है। और यहाँ पर मैं और निधि फोटो शूट करवा रहे थे, पहले मैंने और नेहा करवा रहे थे, फिर उसके बाद वीडियो बनवा रहे थे, फोटोग्राफर वीडियो वाला भी आया हुआ है, तो वो हम लोग का वीडियो शूट कर रहा था। उसके बाद फिर हम लोग मैं और निधि इधर साइड वीडियो बनवा रहे थे, और बस ऐसे ही हम लोग मस्ती करने में भी लगे हुए थे कि चलो जब तक सब इकट्ठे होते हैं तब तक फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, वीडियो शूट करवा लेते हैं। ये है नीतू, नीतू भी आ गई है। तो सब लोग जब इकट्ठे होते जाते हैं तभी मज़ा आती, तो निधि यहाँ पे वीडियो भी बनाती जा रही है। और चलो अभी हम और निधि दोनों लोग वॉक करते हैं और फ़ोटो शूट करवाते हैं, तो मस्त मस्त वीडियो बनवाते हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आगे के ब्लॉग में आपको हल्दी फंक्शन हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या फंक्शन हुआ, किसने किसने डांस किया, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप वॉच करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आदिया फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।